तो माय डियर फ्रेंड्स, रीना के घर में सभी फैमिली मेंबर्स सो चुके हैं। हम दोनों धीरे धीरे किचन में जाएंगे और मस्त चाय बनाएंगे। अंधेरा हो चुका है। भारत है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये सारी मेरा कैरेटिन कर रही है, घर ला रही है। इसके पास कैप नहीं था और मेरे पास ना फॉइल पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये जुगाड़ आप भी कर सकते हो अगर आपके पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज इनका केराटिन ट्रीटमेंट होने के लिए जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी क्योंकि ये है ब्लॉगर, मैं हूँ ब्यूटिशियन। तो दिन भर अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसमें मैं भी पूरा दिन बिजी थी और ये भी इनके व्लॉगिंग में पूरा दिन बिजी थे, तो हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो अभी टाइम हो रहा है, रात की बज रही है 11, तो 11 बजे मैं इनको अपने घर लेकर के आई हूँ क्योंकि ये मेरी खास दोस्त भी है, तो मैं अपने घर लेकर आई हूँ और इस घर में, यहाँ पे मेरे रूम में हम इनका केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे। केराटिन है फुल एंजॉयमेंट के साथ होने वाला है, फुल एंटरटेन करने वाले हैं हम आपको और केराटिन की स्टेप्स भी आपको दिखाने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अरे क्या कर रही है यार? कुछ नहीं, इसको चालू करना है, पकड़ इसको। अरे तू भी क्या नाटक करवा रही मेरे से? अरे बाप रे, अरे बाप रे, केराटिन कर रही है तू? मेरे जो करवा रही आधी रात को 12 बजे। फ्रेंड्स, जब आपके जो हैंड ग्लव्स है वो अगर आपके ऐसे चिपक जाते हैं, तो इस तरह से आप ड्रायर चालू करके और उसको चालू कर दो। अरे वाह, क्या बात है, पूरा हाथ दिख रहा है, मजा आ गया। और इसके अंदर आप हल्का सा पाउडर डाल दो, जो अपना टेलकम पाउडर आता है वो आप इसके अंदर मिक्स कर दो, तो ये एकदम आपके यूजेबल हो जाएंगे, इसको थ्रो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या बात है रीना जी, तो आप देख सकते हैं कि घर में किस तरह से आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, केराटिन जो होता है ना, वो कभी भी स्कैल्प को टच नहीं करना है। अगर आपने इसको स्कैल्प में टच कर दिया तो आपके बाल झड़ सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और आपके स्कैल्प में इरिटेशन भी हो सकता है, इसलिए आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। देखिए मैं किस तरह से इसको पेनिट्रेट कर रही हूँ बालों में, ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाना है ना बहुत कम प्रोडक्ट लगाना है, और आपको इसको अच्छी तरह से बालों के अंदर, ये देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से बालों के अंदर इसको पेनिट्रेट कर रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत शांति का काम है, आप जल्दबाजी में बालों का काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इससे आपका काम खराब दिखेगा, आपका नाम खराब होगा और आपके क्लाइंट का पैसा खराब होगा, इसलिए आपको बहुत शांति से और आराम से ये काम करना है। और आपको भी मस्तियां भी करते रहेंगे और आपको भी शांति से देखना है दोस्तों। मीना फैशन गैलरी पे मीना वोरा का केराटिन होने जा रहा है, तो मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली भी आइएगा रीना जी के पास ही केराटिन करवाने, क्योंकि ब्यूटी टिप्स बहुत अच्छे अच्छे देती हैं आप। और अभी हम दोनों दोस्त थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के प्रोसीजर के बाद चाय कॉफी लेंगे हम लोग। पकड़ के यो ठीक रहो रीना, कब मैं परेशान कर रही है रात की 12 बजे। ठीक रहा है, इस ठीक रहे से तेरा केराटिन हो रहा है, छोड़ दो इतने सा बाल, बोल दोस्तों। देखो ये बहुत परेशान कर रही है मेरे को, पहले तो मेरे को सर्दी हो रही है भयंकर, और इसका केराटिन ये क्रीम मेरे को इतनी जलन सी कर रहा है, और घड़ी थोड़ी 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 देर में बोलती ले बाल पकड़, ले बाल पकड़, तो ले ये मैंने ही पकड़। आप ये देखो, मैं इसको बाल पकड़वा रही हूँ, तो ये देखो बाल कैसे पकड़ रही थी, इधर से एक उंगली निकाल रही है उसमें बालों को ले रही है, और मैं यहाँ पे ना जलती नाक पे काम करूँ। दोस्तों मेरी आंखें बहुत जल रही है, मेरी नाक तो जल ही रही है क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, और इसका केराटिन करना ही था आज मेरा, पता नहीं क्या रात तक मैं जिंदा तो रह जाऊंगी ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे दोस्तों, नया जन्म होने वाला है कल इसका, आइए आज एक बारी पीना खत्म होने वाली है। बिल्कुल, ये भारत है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये सारी मेरा केराटिन कर रही है, घर ला रही है। इसके पास कैप नहीं था और मेरे पास में फॉइल पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये जुगाड़ आप भी कर सकते हो अगर आपके
आपके पास में भी आपको अगर हीट जनरेट करना है और आपके पास शॉवर कैप नहीं है या कोई चीज नहीं, तो आप एक पॉलिथिन लेके इस तरह से पास देख लो आप इसकी खास दोस्त हूँ मैं। और ये मेरा कैरेटीन मतलब एक जोक बना रही है, जोक ये भारत ऐसा जुगाड़ू इंसानी। कैरेटीन का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, उसमें देखिए क्या काम हो रहा है। रात को 12:15 बजे टाइम दिखाओ, व्यूवर्स को टाइम दिखाओ। मैडम हम अपना काम कर रहे हैं, अरे हम एक ब्लॉगर हैं, आप टाइम देख सकते हो अभी क्या टाइम हो रहा है। 12:17 इस पे देखो क्या काम हो रहा है मोबाइल पे। नहीं हम एक ब्लॉगर हैं और मोबाइल से ही हमारा काम होता है, तो मोबाइल तो हमारी दुनिया है, तो इसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता और आपके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता है। ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि अभी मेरे अंडर में अगर केराटिन नहीं किया तो गए। तो दोस्तों कोल्ड बहुत हो रहा है, अब हम किचन में जा रहे हैं। नहीं अब मैं जो बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। किचन में चलो चुपचाप मुझे चाय बना के पिला, अदरक काढ़ा बना के पिला, केराटिन के साथ ये तेरा काम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रीना के घर में सभी फैमिली मेंबर सो चुके हैं। हम दोनों धीरे धीरे किचन में जाएंगे और मस्त चाय बनाएंगे। अंधेरा हो चुका है, हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आपको हल्की से लाइट चालू करके फिर से बताती हूँ। बटन आप हेल्दी रहिए, हम तो वैसे भी हेल्दी है। रात के 12 बजे टिप्स झड़ रही है बड़ी। रात के 12 बजे तो टिप्स बता दें। शांति रखिए, रात के 12 बजे टिप्स झड़ रही है, बैठ के पानी पियो। दोस्तों हम दोनों इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि रात की 1 बज रही है, सिर घूम रहा है, वीडियो अपने चालू भी नहीं किया और पूरा बोल गए जो उनको बोलना था। मुझे ठंड लगी तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि रात की 1 बज रही है, देख सकते हैं इसको मेरे को ठंड लग रही, तो शॉल लगा के पहना दिया है। ये थियरी अलग पहना रही थी, इसने मुझे जोकर बना रखा है। और अब ये करेगी आगे का ट्रीटमेंट, तो हम लोग किचन में गए, काढ़ा बनाया इसने, तो सनी ने मेरे लिए काढ़ा भी नहीं बनाया, मैंने खुद से बनाया है। पट्टी दूध पी रही है मस्ती से, और तो
मैं ये कह रही थी दोस्तों कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो अगर आपके पास हो तो संभाल के रखिएगा, क्योंकि दोस्ती का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, दोस्ती मतलब दवा, और दवा के बिना जीना और जिंदगी दोनों ही मुश्किल है। चालू कर दिया। केम करे छे रीना, तू इसके साथ खेल खेल रही है, मेरा केराटिन कर रही है, रात की एक बजती है, डेढ़ बज रही है, ये थोड़ी परेशान कर रही है लाइट, और हम यहीं पे फोन लगाते और कैमरा से शूट कर रहे हैं। ये तेरे को परेशान कर रही है और तू मेरे को परेशान कर रही है, रात्रि जागरण कराएगी क्या आज? चल ये रुक गई तो अब मुझे मत रोक। एरीना आइए आइए महाशय, दोस्तों अब हम मोबाइल इसमें फिट करने वाले हैं। रीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई हमारे पास। क्यों रे, ये कैमरा चल रहा है कि नहीं? हाँ ये जीजिक करके थोड़ी मोबाइल करना, उससे मतलब नहीं ना, सोने में सब हो जाएगा। पर वो ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है इनका केराटिन, और दो दिन बाद अब इनका वॉश होगा, तो ये कंप्लीट हो गया है। और टाइम क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, हो रहा है मतलब दो बचने वाली है, और हमने केराटिन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अब दो दिन बाद जब इनका वॉश होगा तब इनका फाइनल लुक देखिएगा। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, वेट। वाओ क्या बात है, केराटिन हो चुका है और अब बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है क्योंकि दो ऊपर हो चुके हैं। मुझे कहती है कि तू तेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल। मुझे मेरा एक क्राइटेरिया था कि मेरे फेस पे कर्ली हेयर ही जमते हैं, लेकिन वाकई में रीना ये लुक भी बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों। और अभी आफ्टर टू डेज हेयर वॉश होगा तो और बेटर लुक आने वाला है, और वाकई में केराटिन बहुत अभी जो दिख रहा है सामने, आप भी देख सकते हैं, एक न्यू लुक आने वाला है और बाल काफी सिल्की हेल्दी लग रहे हैं। को हम सहारा ले रहे हैं इन दोनों चीजों का क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं दोस्तों, वाकई में बहुत जल्दी हो रही थी। लगाया है झंडू बाम खुशबू बहुत अच्छी लगी, मैंने भी सब जगह विक्स लगा दी। संगत का असर आता है। तो अब हम सो रहे हैं, अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि मेरे भी पैर में लगी हुई है, इनकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी हमने 2 बजे तक का टाइम हंसते खेलते मस्तियां करते हुए, और अभी भी आप हमारे चेहरे देख सकते हैं गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं। रात के 2 बजे नींद तो नहीं आ रही है, पर फिर भी सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ में उठना है। हर दिन हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, आज जो एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, और उससे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अपना पॉजिटिव सोचो और ज्यादा काम करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपनी प्रोग्रेस को ज्यादा बढ़ाओ, विद फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। वापस कल काम पे लगना है, वो उसके फील्ड में जाएगी, मैं मेरे फील्ड में जाऊंगी, और
फिर पता नहीं कब हम इस तरह से मिलेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा यादगार रहा, बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं दोस्तों। एक व्लॉग ही बनाया है हमने, केराटिन ट्रीटमेंट तो एक बहाना है जो हुआ है, प्रोसेस मस्ती करनी थी इसलिए एक व्लॉग बनाना था हमें फ्रेंडशिप का। तो आई होप आपको ये फुल वीडियो, आपने कुछ सीखा भी होगा और हमारी दोस्ती को देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में रीना जी ने जो जो टिप्स बताए वो भी आप सीख सकते हैं। अच्छा, केराटिन में ऑफर चल रहा है और अभी और भी बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, तो आप पता कर सकते हैं, नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उस पर पता कर सकते हैं कि क्या ऑफ़र चल रहा है। और उसके अलावा भी वेडिंग सीजन के बहुत सारे ऑफ़र आने वाले हैं पार्लर में, तो आप बिल्कुल पता कीजिए। मेकअप भी मैं फ्री देने वाली हूँ, तो आप पता कीजिए कॉल लगा के और एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको रीना जी का नंबर मिल जाएगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें इनसे। आशा करते हैं आपको ये फुल व्लॉग, केराटिन ट्रीटमेंट व्लॉग, हमारा टाइटल ही जाएगा वीडियो मेरी ना, केराटिन ट्रीटमेंट व्लॉग। तो आशा करते हैं आपको ये ब्यूटीफुल दोस्ती यारी के गपशप और एंटरटेन के साथ ये ब्यूटीफुल एंटरटेनिंग व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द न्यू व्लॉग में, और लाइव भी हम लोग दोनों बहुत जल्दी आने वाले हैं। जस्ट कीप वॉचिंग एंड आप सभी को शुभ रात्रि। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज कीप स्माइल, हंसते हुए सोएं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठें और अपने दिन को, हर पल को यादगार बनाएं। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे हंसी मजाक वाले एंटरटेन और हमारे जो हम दोनों का जो कंटेंट है उसके अलावा भी हम ऐसे एंटरटेनिंग व्लॉग बनाते रहते हैं, तो आपसे मिलते रहेंगे समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइल। बाय बाय।